वैल्यू चैन एनालिसिस के बेसिस पर कोई भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रॉपरली एनालाइज कर सकता है पहले हम बात करेंगे कि वैल्यू चेन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्या है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस इन प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज एंड एनालाइजिंग दैम कीपिंग इन माइंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ड्स वैल्यू क्रिएशन टू द फाइनल प्रोडक्ट एंड टू डू सो इनपुट कंज्यूम बाई द एक्टिविटी एंड आउटपुट जनरेटेड आर स्टडीड सो हैज टू डिक्रीज कॉस्ट एंड इनक्रीज डिफ्रेंसी यानी कि जो वैल्यू चेन एनालिस है इस पर्टिकुलर एनालिसिस में बिजनेस से रिलेटेड वेरियस एक्टिविटीज़ को दो मेन एक्टिविटीज में क्लासीफाई किया जाता है वो होती हैं प्राइमरी और सपोर्टिंग एक्टिविटीज फिर इनको प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है और जब इनको एनालाइज किया जाता है तो ये पॉइंट माइंड में सेट कर लिया जाता है कि इनकी तरफ से फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितनी वैल्यू कंट्रीब्यूट की गई है या कितनी वैल्यू क्रिएशन से कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया गया है बाय ईच एंड एवरी एक्टिविटी इसको भी प्रॉपरली चेक किया जाता है और ऐसा करने में इन एक्टिविटी के द्वारा कितने इनपुट्स को कंज्यूम किया गया है और कितना आउटपुट जनरेट किया गया है इसको भी स्टडी किया जाता है इसके साथ साथ कॉस्ट को कितना डिक्रीज किया गया है या डिफ्रेंसिएशन को कितना इंक्रीज किया गया है इसको भी प्रॉपरली डिस्कस किया जाता है अंडर द वैल्यू चेन एनालिसिस ये एक तरीके का स्ट्रेटेजिक टूल है जिसके बेसिस पर जो इंटरनल फर्म एक्टिविटीज होती हैं उनको प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है इसका गोल क्या है इसका गोल होता है उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज को रिकॉग्नाइज करना जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है जो एक तरीके से आपके लिए कॉस्ट एडवांटेज या डिफ्रेंसिएशन एडवांटेज के सोर्स की तरह वर्कआउट कर रहे हैं उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज को प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करना फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और यह देखना कि उनमें से ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनको फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है और उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है ये इसका एक मेन पर्पज़ होता है या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इंटरनल एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली एनालाइज करते हुए वैल्यू चेन एनालिसिस ये रिवील करता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बिजनेस फॉर्म के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में इंक्लूड किया जा सकती हैं और कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस में इंक्लूड की जा सकती हैं इसको प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू चेन एनालिसिस एक्चुअली जो वैल्यू चेन एनालिसिस का मॉडल है ये माइकल पॉटर के द्वारा 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया था जेलनिक वैल्यू चेन मॉडल के नाम से और इसमें फॉर्म के रेफरेंस में उन सारी इंटरनल एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट किया जाता है जिसके बेसिस पर फॉर्म डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर रही है और मार्केट में प्रोवाइड कर रही है तो इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज के रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक्टिविटीज और कॉम्पिटेटिव डिस एडवांटेज एक्टिविटीज को एनालाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर एनालिसिस का यूज किया जाता है यहां मैंने वैल्यू चेन एनालिसिस के रिगार्डिंग इसके प्रॉपर मॉडल को डिफाइन किया है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परफॉर्म किए जाने एक्टिविटीज़ को दो पर्टिकुलर मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है द फर्स्ट वन इज़ द सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ जैसा कि आप यहां देख रहे हैं दीज आर द सपोर्टिंग एक्टिविटीज ठीक है और यहाँ है आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं सपोर्टिंग एक्टिविटीज जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है वो है आपकी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज और जो आपकी सपोर्टिंग एक्टिविटीज है इनमें भी हम चार एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट और इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करके ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग द प्रॉफिट मार्जिन तो यहाँ मैंने जो गैप डिफाइन किया है इसको मैंने प्रॉफिट मार्जिन के नाम पर डिफाइन किया है यानी कि कोई भी फॉर्म इन एक्टिविटीज को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज में कन्वर्ट करते हुए अपने प्रॉफिट मार्जिन को एन कर सकती है यह डिफाइन किया गया है इस मॉडल के द्वारा ठीक है अब इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं अगर मैं इस पर्टिकुलर फिगर को प्रॉपरली एनालाइज करूं तो इस पर्टिकुलर मॉडल में जो माइकल पॉटर है इसने एंटायर वैल्यू चेन को कंप्लीट नाइन एक्टिविटीज़ में कवर्ड किया हुआ है ठीक है और इन नाइन एक्टिविटीज़ को हम दो मेन एक्टिविटीज़ में कवर करते हैं एक तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ और दूसरी होती है सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ और ये जितने भी नाइन एक्टिविटीज़ है दे ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर एक दूसरे से कनेक्टेड है ये सारी एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज में हम उन एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं जो एक्सटर्नल डिमांड को कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्म की जाती है या एक्सटर्नल डिमांड को सेटिसफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्म की जाती है जबकि सेकेंडरी एक्टिविटीज में हम उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं जो इंटरनल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्म की जाती है क्लियर हो गया तो दोनों एक्टिविटीज का रोल अलग अलग है लेकिन बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर क्लियर अब हम बात करते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस तो यहां पर हमने मेनली वैल्यू चेन एनालिसिस को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है द फर्स्ट वन इज द प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज द सपोर्टिंग एक्टिविटीज तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द प्राइमरी एक्टिविटीज और उसकी जो सब एक्टिविटीज है उनके बारे में हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे अब प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है

और फिर इसके रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ और जो भी इसकी सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं यानी कि इसके रिलेशन में परफॉर्म की जाने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करते हैं अब कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लेट अस हैव अ लुक ओवर दीज एक्टिविटीज़ द वेरी फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटी इज़ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स इट इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक रिसीविंग स्टोरिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग विच मेक अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ऑपरेशनल प्रोसेस सम ऑफ़ दोज एक्टिविटीज आर मटेरियल हंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन स्टॉक कंट्रोल एक्सेट्रा यानी कि जब आपको ऑपरेशनल पर्पज़ के लिए या अपने इनपुट को आपको आउटपुट में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपको डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है तो इन गुड्स एंड सर्विसेज को अवेलेबल कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स यहाँ आप इसके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल या इनपुट्स को रिसीव करते हो उसको स्टोर करते हो और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उस रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इनको हम इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में इंक्लूड करते हैं जैसे कि मटेरियल हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन स्टॉक कंट्रोल ये सारी एक्टिविटीज़ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में इंक्लूड की जाती है नेक्स्ट वन इज द ऑपरेशंस यानी कि अब आपको क्या करना है जो आपके पास रॉ मटेरियल रिसीव हो चुका है उसको आपको फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है ट्रांसफॉर्म करना है तो रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करने की जो एक्टिविटी होती है उसे हम ऑपरेशनल एक्टिविटी के नाम से जानते हैं और उसके बेसिस पर आप फाइनल प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हो जो सेल के लिए रेडी होता है मार्केट में टू द कंज्यूमर्स तो हम इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को ऑपरेशनल एक्टिविटी का नाम देते हैं मशीनिंग है असेंबलिंग पैकेजिंग ये कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम ऑपरेशन में कवर्ड करते हैं ठीक नेक्स्ट वन इज द आउट बाउंड लॉजिस्टिक्स आउट बाउंड मतलब बाहर की ओर यानी कि जिन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के बेसिस पर आप प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर कर रहे हो कस्टमर तक अवेलेबल कर रहे हो जो प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किया है उसको स्टोर कर रहे हो उसको कलेक्ट कर रहे हो तो ये सारी एक्टिविटीज आपकी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में इंक्लूड की जाती हैं ठीक है ठेके? तो इसमें हम उस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग को भी इंक्लूड करते हैं जो फाइनल कस्टमर्स तक पहुंचाने में हेल्पफुल होते हैं वो सारी एक्टिविटीज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में इंक्लूड की जाती है इनबाउंड जब आप इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स को रिसीव कर रहे हो उसे कलेक्ट कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग फॉलो की जाती है जबकि आउटबाउंड में आप गुड्स को कस्टमर्स तक अवेलेबल करा रहे हो उस केस में जो भी आपने एक्टिविटीज परफॉर्म की है वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में इंक्लूड की जाती है द नेक्स्ट वन इज द मार्केटिंग एंड सेल्स मार्केटिंग और सेल्स में हम एडवर्टाइजिंग प्रमोशन सेल्स मार्केटिंग रिसर्च पब्लिक रिलेशन इन सबसे रिलेटेड एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं जिनका यूज किया जाता है कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विस के रिगार्डिंग अवेयर करने में और प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिमांड को क्रिएट करने में तो ये सारी एक्टिविटीज हमारी मार्केटिंग और सेल्स में इंक्लूड की जाती हैं क्लियर एंड द लास्ट प्राइमरी एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द मॉडल इज़ दैट इज द सर्विसेस सर्विसेस इसमें हम उन पर्टिकुलर सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं जो कस्टमर्स को एवेलेबल कराई जाती हैं या प्रोवाइड कराई जाती हैं जिससे कि प्रोडक्ट की वैल्यू को प्रॉपरली मेंटेन किया जा सके जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज आफ्टर सेल सर्विसेज ये सारी सर्विसेज इस पर्टिकुलर सर्विस सेक्शन में इंक्लूड की जाती हैं ओके सो दिस ऑल आर द डिफरेंट प्राइमरी एक्टिविटीज एज पर दिस पर्टिकुलर मॉडल नाउ वी विल टॉक अबाउट द सपोर्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है सपोर्टिंग एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज़ को एकॉम्प्लिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्टिविटीज़ अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं तो उन्हें हम सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ का नाम देते हैं क्योंकि सपोर्ट कर रही हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ को एकॉम्प्लिस करने में ये अपना प्रॉपर सपोर्ट करती हैं इसी वजह से इनको हम सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करते हैं कौन कौन सी हैं सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ द वेरी फर्स्ट वन इज द प्रोक्योरमेंट दिस एक्टिविटी सर्वस द ऑर्गेनाइजेशन बाय सप्लाइंग ऑल द नेसेसरी इनपुट्स लाइक मटेरियल मशीनरी अदर कंज्यूमेबल आइटम्स दैट रिक्वायर्ड बाई दर्गेनाइजेशन फॉर परफॉर्मिंग प्राइमरी एक्टिविटीज़ यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज को अपनी प्राइमरी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है इनको सप्लाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी दैट इज नोन एज द प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी दैट इज क्लियर सेकेंड वन इज द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट यानी कि अगर मैं आज की डेट में बात करूं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो ये एक्टिविटीज रिलेटेड होती हैं टू द एक्टिविटीज हु प्रोसेस इंफॉर्मेशन एज वेल एज प्रोटेक्ट अ कंपनीज नॉलेज बेस यानी कि जो कंपनी के नॉलेज बेस को प्रोटेक्ट कर रही हो और उसके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर रही हूँ या प्रोसेस कर रही हूँ उनसे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इंक्लूड करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना करंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ में अवेयर होना स्टेयर रहना उसके साथ में टेक्निकल एक्सलेंस को मेंटेन करना ये कुछ पर्टिकुलर सोर्सेज हैं वैल्यू क्रिएशन के जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के द्वारा फोकस किए जाते हैं क्योंकि आज के एन्वायरमेंट में प्रॉपर्ली आपको टेक्नोलॉजिकल बेसिस पर अप टू डेट रहना होता है उसके रिगार्डिंग अप टू डेट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए तो उसके रिगार्डिंग ये जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्टिविटी है ये वेरियस टाइप के इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर करती है और उसको प्रॉपर्ली मैनेज करती है दैट इज़ क्लियर एंड द नेक्स्ट वन इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक कंपनी को डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है तो एक्टिविटीज़ को कंपनी तो परफॉर्म नहीं करेगी बल्कि उसको ह्यूमन्स परफॉर्म करेंगे उसके एम्प्लॉज़ परफॉर्म करेंगे तो किस तरीके से एक कंपनी इसके रिलेशन में अपने वर्कर्स को रिक्रूट करती है हायर करती है ट्रेन करती है मोटिवेट करती है उन्हें रिवॉर्ड्स पे करती है उन्हें रिटेन करती है इनसे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इनको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंक्लूड करते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स एक सिग्निफिकेंट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितना स्टाफ एक्सलेंट होगा जितने वर्कर्स एक्सलेंट होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू उतनी ही ज्यादा हाई लेवल पर होगी इसी वजह से जो कोई बिजनेस होता है हर एक पर्टिकुलर बिजनेस एच प्रैक्टिसेस को प्रॉपरली फोकस करते हुए इसके क्लियर एडवांटेज को क्रिएट करना चाहता है जिससे कि प्रॉपर वैल्यू को क्रिएट किया जा सके जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कंसीडर करते हैं क्लियर एंड द लास्ट सपोर्टिंग एक्टिविटी एज पर दिस मॉडल इज इंफ्रास्ट्रक्चर दीज आर कंपनी सपोर्ट सिस्टम एंड द फंक्शन दैट अलाउ इट टू मेंटेन डेली ऑपरेशन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को एंटरप्राइज को डेली बेसिस पर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है तो उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम और डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किए हुए स्ट्रक्चर के बेसिस पर अकाउंटिंग है लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल मैनेजमेंट ये कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स हैं जो किसी भी पर्टिकुलर बेसिस के नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करती हैं जिसके बेसिस पर प्रॉपर एडवांटेज लेते हुए ऑर्गेनाइजेशन अपने डेली वर्क्स को परफॉर्म करती है जैसे हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्टिविटीज में इंक्लूड करते हैं क्लियर सो दीज ऑल आर द डिफरेंट सपोर्टिंग एक्टिविटीज ऑफ एनी ऑफ द एंटरप्राइज नाउ कम टू द कंक्लूजन ऑफ द वैल्यू चेन एनालिसिस मॉडल आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस क्या है अपने कस्टमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना और वैल्यू चेन एनालिसिस वो पर्टिकुलर टेक्निक होती है जिसके बेसिस पर इस पर्टिकुलर लेवल को अटेन किया जा सकता है और इस पर्टिकुलर एनालिसिस में ईच एंड एवरी बिजनेस एक्टिविटी इज कंसिडर्ड एज एसेंशियल हर एक बिजनेस एक्टिविटी को एक एसेंशियल एक्टिविटी के तौर पर कंसिडर किया जाता है जो प्रॉपर वैल्यू को एड करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है और फिर उन सारी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को वन बाय वन कांस्टेंट बेसिस पर एनालाइज किया जाता है जिससे कि वैल्यू को और ज्यादा इंक्रीज किया सके और कॉस्ट को और ज़्यादा डिक्रीज किया जा सके सो दिस इज मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस ओके थैंक यू